वेलकम टू अभियंता मैथ्स। अभियंता मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रिंग सिम्स थ्योरम देखेंगे, ठीक है ना। बीएससी पार्ट टू का पेपर थ्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पी साइलेंट होता है, पी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है ना। आपका क्यूट सा चैनल अभियंता मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिंग सिम्स थ्योरम क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका प्रूफ को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए ऑडियो वीडियो क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। स्टेटमेंट इसका कहता है कि ये सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी एन, ठीक है ना, ऑफ पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म्स होना चाहिए, डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेस देन नॉट ओनली लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू जीरो, केवल एन जीरो नहीं होगा, बट ऑल्सो लिमिट एन टाइम्स एन एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए भी जीरो होगा, ठीक है ना। यही दोनों को क्या करना है, हम लोग को शो करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। इसी को बोला जाता है रिंग सिम्स थ्योरम, ठीक है ना। एग्जाम में 10 मार्क्स में अप्रोक्स आता है, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा, नहीं भी आ सकता है तो आपको खुद स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद क्या करना है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, रिंग सिम्स थ्योरम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है ना, प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट देख लिए हम लोग ऑलरेडी, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल लिए, चूहा मार के खाना बंद कर लिए, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रेवेन्यू दैट समेशन ऑफ एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट इफ फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। एम बिलोंग्स टू एन सच दैट मोड एम प्लस वन प्लस एम प्लस टू प्लस एम प्लस थ्री डॉट डॉट ए एन है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एप्सिलॉन, ठीक है। फॉर ऑल एम ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या करेंगे हम लोग, पहला इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है ना। अब समझिए आगे हम लोग कि सिंस समेशन ए एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज डिक्रीजिंग, दिया हुआ सवाल में कि डिक्रीजिंग है, सीरीज है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ऑफ पॉजिटिव टर्म्स के लिए, ठीक है ना। तब क्या होगा, आगे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कि अगर n का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। एक बार और समझिए इसको, वी नो दैट हम लोग जानते हैं समेशन an जो है n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ फॉर इच एप्सिलॉन का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, जीरो से बड़ा, एंड देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n, ठीक है, m जो है बिलोंग्स करना चाहिए n में, सच दैट, तब क्या होगा, मोड ऑफ एम प्लस वन प्लस एम प्लस टू प्लस एम प्लस थ्री डॉट डॉट एन, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब क्या है आगे देखिए, कह रहा है समेशन जो है समेशन एन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी इज डिक्रीजिंग, सीरीज है, डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर पॉजिटिव टर्म्स के लिए, ठीक है ना। तब हम आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करते आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एन, ठीक है, फॉर ऑल नहीं तो ईच वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन ए एम प्लस वन, फिर एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एम प्लस टू, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन ए एम प्लस थ्री, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा, डॉट 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 एन, इधर भी क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे, जो दिख रहा है तीनों चारों, इसको ऐड करेंगे, एन 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 लेस देन इक्वल टू एम प्लस वन, एम प्लस टू, एम प्लस थ्री डॉट डॉट एन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा क्या कह रहा है, ठीक है, एन प्लस एन प्लस एन, एन जो लिखा गया है, ठीक है, एन टाइम्स नहीं है, एन माइनस एम टाइम्स है, ठीक है। शुरू में हम लोग लिखे थे, वी नो दैट, क्या लिखे थे,
वी नो दैट, ठीक है, ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू, ये पहला टर्म था, ये दूसरा तीसरा, उसी तरह से यहाँ पे क्या आ रहा था, एन माइनस एम टाइम्स हो गया ये, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं बिट्टू, ठीक है। आगे क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें मोड लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ मोड ले लेंगे, क्या करेंगे दोनों तरफ, टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड्स वी गेट एन माइनस एम एन मोड लेस देन इक्वल टू हो जाएगा ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू प्लस एन, ठीक है। आगे देखिए इसको डिटो लिख दिया गया लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू जो है ना अपसलन था इक्वेशन वन से, क्या था अपसलन था इक्वेशन वन से, ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ठीक है। अब क्या करेंगे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे एन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, एन इंटू एन माइनस एम इंटू एन, अब माइनस जीरो समझिए, इसको पहले बताया गया था एल, एल क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू कितना का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तब एक कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आगे देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड वी गेट लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन ए एन माइनस एम ए एन, ठीक है। अब क्या करेंगे लिमिट में है तो अलग अलग करेंगे, क्या करेंगे आप अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे देखिए, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन एन, यहाँ पे एम को बाहर कर देंगे लिमिट के आउटसाइड, लिमिट ए एन एन टेंड्स टू इनफिनिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखिए। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखिए लिमिट क्या करेंगे हम लोग दोनों में ले लेंगे, लिमिट एन ए एन एन टेंस टू इन्फिनेटी माइनस एम लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनेटी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना लिमिट ए एन एन टेंस टू इन्फिनेटी, देखो बोलेगा सर यहाँ एम को बाहर कर दिए, यहाँ एम कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एन यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पे एन क्या है कॉन्स्टेंट है, कोई नंबर है, इसलिए इसको आउटसाइड द लिमिट हम लोग कर दिए, ठीक है ना। आगे देखिए अब ये जो है कन्वर्जेंट है, क्या है कन्वर्जेंट, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखते लिख दिया गया बट लिमिट एन एन टेंड्स टू इनफिनिटी इक्वल टू जीरो बिकॉज समेशन ऑफ एन जो है एन इक्वल टू वन टू इनफिनिटी इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना। देखिए 16 मार्क्स में पूछता है, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, ठीक है। रिंग सिम्स थ्योरम, क्या नाम है रिंग सिम पी साइलेंट का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लिमिट एन एन माइनस एम, एम लिख दिए यहाँ वाला एम, ठीक है, एम लिखा गया, इसका वैल्यू जीरो पुट कर दिए इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा इसका वैल्यू एम इंटू जीरो जीरो हो गया, एंड जो शो करना था आ गया हम लोग लिमिट एन ए एन एन टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो, और ये तो जीरो है ये था, ठीक है, ये जो है ये तो जीरो होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो को बार बार देखो, लाइक शेयर सोचते रहना, ठीक है ना। कौन सा थ्योरम आज हम लोग पढ़े, रिंग्स सिम्स थ्योरम, ठीक है ना। पढ़ने में बहुत सारे लोग प्रिंस बोल देते हैं, प्रिंस नहीं होता, पी साइलेंट होता है, रिंग्स सिम्स थ्योरम, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए।